आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मशोबरा में गरजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बोले प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी को दिखाया आईना। चंबा में 5 मई को गरजेंगे अमित शाह, कांग्रेस राहुल और प्रियंका को लाने की तैयारी में। मुकेश अग्निहोत्री का सतपाल सत्ती पर निशाना, बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बना दिया रिकॉर्ड। आशा कुमारी का साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना, बोली शहीदों का किया अपमान, पीएम से नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट। कोटखाई फिर शर्मसार, अब नेपाल की महिला से गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार दूसरा फरार। कुल्लू के रायसन में ब्यास की बलखाती लहरों में पलटी राफ्ट, वायरल वीडियो से प्रदेश भर में हड़कंप। और नादौन में किन्नौर ने 5 विकेट से रौंदा लाहुल, 28 ओवर में जीत लिया अंडर 16 क्रिकेट मैच। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। शिमला के मशोबरा में सीएम ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी के सबको न्याय नारे की पोल खोलकर रख दी है। पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा की गई गुंडागर्दी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कोई कार्रवाई ना करना दिखाता है कि कांग्रेस महिलाओं की कितनी इज्जत करती है। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा पर हिंदू आतंकवाद का झूठा आरोप लगाकर पुरुष पुलिस कर्मियों से अमानवीय अत्याचार करवाना भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सबको न्याय नारे का सबसे घटिया उदाहरण है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनामी देखकर हिमाचल में कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव लड़ने से किनारा कर गए हैं। सूरज की तपिश के साथ ही पहाड़ का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिमाचल का दौरा करेंगे। अमित शाह 5 मई को चंबा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि 12 मई को बिलासपुर और नाहन में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। 19 मई पर फोकस कर भाजपा प्रदेश भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने वाली है, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की रैलियां होंगी। वहीं मई के पहले हफ्ते ही कांग्रेस भी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित नवजोत सिंह सिद्धू व अन्य दिग्गज नेताओं की रैलियां करवाने की तैयारी में है। हालांकि अभी कांग्रेस के किसी भी नेता का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि तपती मई पहाड़ की सियासत को और गर्म कर देगा। सतपाल सत्ती के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई साफ संकेत है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। यह बात नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कही। अब सत्ती जी क्या कहते हैं, अब ये मायने नहीं रखते। हिमाचल के इतिहास में पहली दफा हुआ है कि किसी नेता पे चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई हो। ये देवभूमि है, यहाँ मर्यादाएं चलती हैं, यहाँ पे असूलों से राजनीति होती है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक सत्ती का कहना है कि वीडियो कट पेस्ट है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वीडियो चुनाव आयोग ने खुद रिकॉर्ड किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सतपाल सत्ती हिमाचल प्रदेश के ऐसे पहले नेता हैं जिनके प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सतपाल सत्ती ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी सत्ती राधा स्वामी सत्संग ब्यास और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं। सतपाल सत्ती को अपनी गलती मानकर माफी मांग लेनी चाहिए। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने भाजपा नेत्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। भाजपा की भोपाल संसदीय सीट से चुनाव लड़ रही साध्वी के शहीद पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे के बयान को लेकर आशा कुमारी ने इसे शहीदों का अपमान करार दिया है। कांगड़ा के शाहपुर में आशा कुमारी ने कहा कि देश का हर नागरिक देशभक्त है और किसी को प्रधानमंत्री या किसी और से भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद शांता कुमार ने कोई भी विकास नहीं करवाया और इसीलिए ही पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। प्यार और अहंकार की लड़ाई मुझे जो नजर आ रही है। दिव्य हिमाचल टीवी पर हिमाचल के लोकसभा उम्मीदवारों के इंटरव्यू की कड़ी में लीजिए पेश है कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल से एक्सक्लूसिव बातचीत। दिव्य हिमाचल के राज्य ब्यूरो प्रमुख मसराम डलैल व धर्मशाला ब्यूरो चीफ पवन शर्मा से बेबाक बातचीत के दौरान पवन काजल अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे।
अगर मैं कहूं कि मैं ओबीसी जाति से हूं और ओबीसी का ये करके, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यही कंपैरिजन है भारतीय जनता और कांग्रेस पार्टी में। 14 सालों में 5वां इलेक्शन जो पवन काजल लड़ रहा है वो प्यार के बल पर लड़ रहा है। काजल को बलि का बकरा बनाया, ये तो 23 तारीख को रिजल्ट निकलेगा तो फिर ये बताएंगे बलि का बकरा कौन बना, बलि कम करेंगे। ये ठीक है, हम पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी युवा मोर्चा में रहे हैं, है ना। टिकट मांगा 2012 में भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, नहीं दिया, पर फिर भी उनको ध्वस्त करके पवन काजल यहां पे आया है। सियासी गुरु तो पवन काजल की जनता है। विस्तृत इंटरव्यू देखने के लिए अभी लॉग इन करें दिव्य हिमाचल वेब टीवी और divyahimachal.com। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। अरे वृत्ति, तुम इतने परेशान क्यों हो? आपको पता है इस बार के लोकसभा इलेक्शन मई 2019 में है। जी हाँ। और मैंने सुना है इस बार एक नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई है वीवीपैट नाम की, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमने वोट किसे डाला है। जी। इस बात से मैं ज्यादा एक्साइटेड थी, पर अब मुझे परेशानी इस बात से है क्योंकि मेरा वोटर आईडी कार्ड जो था वो मेरे मायके का बना हुआ था, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना वोट कहाँ और कैसे डालूं। अरे तुम्हारी इस परेशानी का हल तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैंने अपनी शादी के टाइम ही तुम्हारा यहाँ का वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया था, और ये रहा तुम्हारा यहाँ का वोटर आईडी कार्ड जिसमें तुम्हारा नाम भी है और यहाँ का विधानसभा चुनाव क्षेत्र भी है। अब हम दोनों जाकर 19 मई को अपना चुनाव दे सकते हैं। वाओ, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब शादी के बाद मतदाता चुनाव क्षेत्र बदलना हुआ और भी आसान। सिर्फ www.nvsp.in पर लॉगिन करें और फॉर्म 6 भरें। अधिक जानकारी के लिए मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें। जिला चुनाव अधिकारी ऊना, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिटिया गैंगरेप मर्डर प्रकरण से शर्मसार हुए कोटखाई में अब शादीशुदा महिला के साथ दो दरिंदों ने दुराचार कर डाला। यहां मजदूरी करने वाली नेपाली मूल की महिला ने दो सहकर्मियों पर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पर इसी बीच दूसरा फरार हो गया है। ठियोग के डीएसपी कुलविंदर ने बताया कि आईपीसी की धारा 376 डी के तहत मामला दर्ज कर सिरमौर के शिलाई के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की तलाश में पुलिस जी जान से जुट गई है। कुल्लू के रायसन में ब्यास की बलखाती लहरों में राफ्ट पलट गई। इससे राफ्ट पर 6 सवार तेज बहाव में बह गए, जिन्होंने तैरकर बड़ी मुश्किल से जान बचाई। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर हो रहे इस वीडियो से प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि उफनती ब्यास में अचानक बैलेंस बिगड़ने से राफ्ट पलट गई। हालांकि दिव्य हिमाचल वेब टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसने समर सीजन के आगाज के साथ ही व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। नेरवा के गुम्मा में शनिवार तड़के भीषण अग्निकांड हुआ। यहाँ पर एक दुकान बेकाबू लपटों की भेंट चढ़ गई। इससे लाखों रुपए की संपत्ति राख के ढेर में बदल गई। अग्निकांड की सूचना मिलते ही राहत और बचाव कार्यों में जुटे स्थानीय लोगों ने घरों की टंकियों से पानी ढोकर आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर भी लपटे दुकान का सारा सामान चाट गई। शॉर्ट सर्किट से हुए इस अग्निकांड में 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान आंका गया है। सब कुछ सामान्य रहा तो हिमाचल के मैदानों में 26 अप्रैल तक धूप खिली रहेगी। इस दौरान पारे में बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि पहाड़ों पर 24 और 25 अप्रैल को बारिश होने जा रही है। मौसम विभाग का दावा सही रहा तो 24 और 25 को शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, डलहौजी, मनाली, सोलन के ऊंचे इलाकों में बारिश हो सकती है। दूसरी ओर धूप खिलने से सोलन के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री का उछाल आया है। इसके अलावा धर्मशाला, केलांग, कांगड़ा व चंबा का पारा भी 2 डिग्री बढ़ा है। विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य के मैदानी इलाकों में 26 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहेगा। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
और अब खेल समाचार। नादौन के अंतर क्रिकेट स्टेडियम में किन्नौर ने लाहौल स्पीति को एक तरफा मुकाबले में 5 विकेट से रौंद दिया। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में 113 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए किन्नौर ने 2 विकेट पर 27 रन से आगे खेलते हुए 28.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 114 रन बना लिए। लाहौल स्पीति की ओर से धीरज ने 3 और राजिल ने 2 विकेट झटके। बता दें कि लाहौल ने पहली पारी में 102 तथा दूसरी पारी में 213 रन बनाए थे। वहीं किन्नौर ने पहली पारी में 202 और दूसरी पारी में 114 रन बनाकर यह मुकाबला जीत लिया। और अब चलते चलते मंडी और तीसा में नशे के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। पुलिस ने 1.25 किलो चरस के साथ धर दबोचे तस्करी के 2 आरोपी। हिमाचल सरकार ने दी प्रमोशन। चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद राजेश बख्शी बनाए आईपीएच के प्रमुख अभियंता प्रोजेक्ट। बरमाना के कुड्डी में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बड़ी मुश्किल से बचाई जान। हरोली में भाजयुमों ने फूंका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर खोला मोर्चा। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं कुलदीप शर्मा की आवाज में शिमला का यह गीत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।